हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 3-4 महीने से आप गायब हो, एक भी वीडियो नहीं आया। तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों गायब था। पहले सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक शेड बनाया है जिसके नीचे अभी केज वगैरह बाकी है रखने के लिए। तो ये ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे बैम्बू का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर शीट आप देख सकते हैं और इसके ऊपर ये तरपाल का यूज़ किया गया है। तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इस कॉलोनी में मैंने और क्या क्या सेटअप किया है। तो अंदर चल के देखते हैं। पहले यहाँ पे एक हॉस्पिटल केज रखा हुआ है जिसमें अभी एक परिंदा है जो कि बजीज रेड़ा ही है। ये थोड़ा बहुत जख्मी है, ये भी यहाँ पे हॉस्पिटल केज के अंदर इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये सामने यहाँ पे एक और केज देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे चिक्स वगैरह भी रखे हैं। ये ऑरेंज ब्रिस्टेड के कुछ चिक्स हैं और कुछ कॉमन के। तो नज़र डाल रहते हैं इस तरफ, ये आप देख सकते हैं पहले ये पूरा एक कॉलोनी था लेकिन अब हमने इसको डिवाइड कर लिया है। यहाँ पे अभी हमारे पास 18 पैर बजरी के, आप देख सकते हैं बजरी से भी हमारे पास 18 पैर आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये भी कुछ ने अंडे वगैरह दिए हैं, आप देख सकते हैं मटकियों में बैठे हैं, ये आप देख सकते हैं। और बात करें हमारे पिंचों की तो ये अभी आप देख सकते हैं पहले सिर्फ 5 से 6 मटकियाँ थी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे मेरे ख्याल से तकरीबन 30 के करीब मटकियाँ होंगी। और नीचे आप देख सकते हैं कुछ चिक्स वगैरह बैठे हैं नीचे, तो आपको आगे से दिखाते हैं। ये अभी मेरे पास तीसरा कलच है पिंचों का। जो पहला कलच था मेरे पास वो मैंने फिर से अपने केज में डाले थे और इसका दूसरा कलच मैंने सेल कर लिया था। अब ये तीसरा कलच के बच्चे आप देख सकते हैं सामने बैठे हुए हैं, जो ब्लैक चोंच में बैठे हैं सारे बच्चे हैं। और नीचे भी कुछ बच्चे आप देख सकते हैं, ये है मेरे पास तीसरे कलच के बच्चे। तो अभी मौसम थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है तो इसलिए पिंचे वगैरह थोड़े बहुत डाउन है। तो आपको बताता हूँ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कोलिसोल के बारे में, बताया फिर से बताता हूँ। ये है कोलिसोल, अभी कुछ हवा वगैरह चल रहा है, मौसम भी थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है तो इनको अभी कोलिसोल डालते हैं। आपको बताता हूँ कि हम इनको कोलिसोल कैसे देते हैं। तो सबसे पहले कोलिसोल खोल लेते हैं, अभी कोलिसोल खोल लिया, ढक्कन लेते हैं इसका। एक पार्ट पानी में सिर्फ हम 2 ढक्कन शामिल करेंगे। ये एक गया, और 2 डालेंगे, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अभी मिक्स हो चुका है, सामने आप देख सकते हैं बच्चे वगैरह बैठे हैं, कुछ बड़े जोड़े बैठे हैं। ये आप अंदर से भी एक दफा देख लें, जो भी परिंदा डाउन है ये पी के बिल्कुल ही फिट फाट हो जाएगा। ये जो कोलिसोल है ये पिंचों के लिए भी है और बजीज वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, जावा वगैरह, फिशर वगैरह सब चीज़ के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं हमें बजीज बैठे हुए हैं। ये बजीज को तकरीबन मेरे पास अभी 1 महीना होने वाले हैं, माशाल्लाह से अंडे बच्चे भी कर रहे हैं। ये कोने वाले मटकी में भी अंडे हैं। तो अभी बजीज के चिक्स वगैरह बाहर आएंगे तो उनका भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको दिखाता हूँ। तो फिंचों का कुछ ऐसा है कि यहाँ पे चिक्स वगैरह बाहर आए, ये आप देख सकते हैं, ये भी थोड़े बहुत डाउन है। मैंने आपको बताया मैंने अभी इनको कोलिसोल भी दिया है, तो इनके चिक्स वगैरह भी अभी अंडे भी हैं। तो मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं जो फिंच है और बजीज के दोनों के प्रोग्रेस साथ दिखाऊँगा। तो अभी सर्दियाँ भी आ रहे हैं, आप लोगों को पता है, तो सॉफ्ट फूड वगैरह सर्दियों का, और इनका या तो मैं नेस्टिंग मटेरियल के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो बस इतना था, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।